आजकल पिछले हफ्ते से जो है भारत मालदीव संबंधों पर खूब चर्चा हो रहा है, तो थोड़ा सा जो है ये समझने की बात है कि आखिर ये सब समस्या क्यों है। मालदीव जो है हिंद महासागर में 1200 द्वीपों का देश, 1965 में ब्रिटेन से ये आजाद हुआ, 2008 तक यहाँ पर जो है अब्दुल गयूम की तानाशाही कह सकते हैं चलती रही। इसके बाद यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, 2008 में जब नया संविधान बना, चुनाव हुआ, वहीं से लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना माना जाता है और भारत से मैत्रीपूर्ण संबंधों की शुरुआत हुई। 2013 में जो है जो वहाँ पर पार्टी है पीपीएम, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, अब जानते हैं कि पीपीएम की सरकार जो है 2013 में बनी और अब्दुल्ला यामीन नए राष्ट्रपति चुने गए, जिन्होंने भारत विरोधी पहलुओं को बढ़ावा दिया और चीन के साथ एफटीए भी लागू किया। 2018 में जो है आपको ध्यान होगा कि 2018 में एमडीपी जो वहां पर पार्टी है मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, तो एमडीपी ने चुनाव जीता और इंडिया फर्स्ट की नीति को जो है बढ़ावा दिया। और देखे होंगे कि 2018 से लेकर 2023 तक, सितंबर 2023 में जो दूसरा चुनाव हो रहा है, वहां तक भारत और मालदीव संबंध जो है बहुत मधुर रहा। भारत से जो है आर्थिक रक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया गया। लेकिन आप देखे होंगे कि सितंबर 2023 में जो चुनाव हो रहा है, यहां पर जो है मोहम्मद मोइजू साहब जो है राष्ट्रपति चुने गए और इन्होंने जो है वही जो 2013 में जो चल रहा था पीपीएम पार्टी के जो मेंबर हैं अब्दुल्ला यामीन साहब जो है चीन के समर्थक थे और उसी पार्टी से जो है मोइजू साहब हैं, तो ये भी जो है चीन के समर्थक हैं। अभी आप लोग देखे होंगे दो चार दिन पहले कि जब भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए तो इस पर जो है मालदीव के मंत्रियों ने टिप्पणी किया, जिसके कारण जो है भारत के लोगों ने मालदीव का जो है खूब विरोध किया और मालदीव ने भी कार्रवाई करते हुए मंत्रियों को जो है बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया। देखिए मालदीव जो है लक्षद्वीप के नजदीक, लक्षद्वीप से जो है जो लक्षद्वीप का मिनी काय है वहां से 70 समुद्री मील दूर ही है। मालदीव की आबादी जो है 4.5 लाख है, वहाँ 98% मुस्लिम लोग हैं, अर्थव्यवस्था जो है पर्यटन पर ही आश्रित है। मालदीव की जीडीपी में भी पर्यटन की जो हिस्सेदारी है 35% है, 25,000 से ज्यादा लोग जो है पर्यटन से ही रोजगार प्राप्त हैं और दिसंबर 2023 तक का जो आंकड़ा है उसमें 18 लाख पर्यटक जो है भारत से ही गए। भारतीयों की संख्या पर्यटन में सबसे ज्यादा है, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन तीसरे नंबर। आप देख रहे हैं कि वर्तमान जो सरकार है वो कहीं न कहीं चीन समर्थन है, भारत का विरोधी है। अब समस्या ये है कि अब ये सब जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, आपको ध्यान होगा मोइजू साहब अभी जो है चीन यात्रा पर गए थे, 5 दिन वहां रुक कर आए और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम भले ही छोटे देश हैं लेकिन दूसरे देश को जो है कुछ कहने का अधिकार नहीं है, पढ़े होंगे आप लोग। और अभी कल का स्टेटमेंट था कि 15 मार्च तक जो है भारत की जो सेना वहां रहती है मालदीव खाली कर दे। आप देख रहे हैं कि चीन दौरे से लौटने के बाद मालदीव के जो राष्ट्रपति मोइजू साहब हैं भारत विरोधी तेवर जो है अख्तियार किए हुए हैं, लेकिन भारत जो है अभी भी समन्वय करने की स्थिति में है। और देखे होंगे कि सचिव स्तर की वार्ता भी संडे को शुरू हो गया। अब भारत जो मालदीव संबंध है, तो आखिर भारत मालदीव संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? भाई हिंद महासागर की जो भू सामरिक स्थिति है वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आप देख रहे हैं। इसीलिए 1976 में जो है समुद्री सीमा संधि किया गया और जानते हैं कि जो मिनी काय द्वीप है लक्षद्वीप का, मिनी काय को भारत के अभिन्न अंग के रूप में जो है मालदीव ने स्वीकार किया। तो हम लोग संबंध इसलिए मालदीव से बना के रखते हैं जिससे जो है इंडियन ओशियन को सुरक्षित किया जा सके। दूसरा जो फैक्टर है कि मालदीव मुस्लिम बहुल क्षेत्र, अभी बताया कि 98% मुस्लिम है, सुन्नी इस्लाम धर्म के लोग जो है यहाँ पर हैं और संविधान में भी मुस्लिम धर्म को मान्यता दिया गया है। तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ ISIS और तमाम जो आतंकवादी संगठन है वो सुन्नी धर्म से जो है ज्यादा संबंधित। तो अधिकांश आतंकवादी जो संगठन है, चाहे अलकायदा को लीजिए चाहे आईएस को लीजिए, सब लोग जो है सुन्नी संप्रदाय से ही संबंधित है। तो हम लोग संबंध बनाकर जो है थोड़ा सा कुछ नैतिक दबाव बनाना चाहते हैं, इसलिए भी भारत मालदीव संबंध महत्वपूर्ण है। और आप देखे होंगे कि अफ्रीका के साथ हमारा जो व्यापारिक संबंध है, इंडियन ओशियन जो है उसमें समुद्री डकैती की घटनाएं घटती रहती हैं, तो हम लोग मालदीव से संबंध बनाकर जो है भारत की जो नौसेना है हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति जो है दर्ज करा सकता है। और इस तरह से देखा जाए तो समुद्री डकैती और इस तरह की जो चीजें हैं उससे थोड़ा सा हम लोग सुरक्षित भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन, आप देख रहे हैं कि मालदीव में जो है आधारभूत संरचना का विकास कर रहा है, जो मराओ स्टाइल जो द्वीप है वहां पर अपना सैन्य अड्डा भी बनाया है। हिंद महासागर क्षेत्र में जो है अमेरिका, फ्रांस, चीन सबका सैन्य अड्डा है। तो भारत संबंध बनाकर कहीं ना कहीं चीन पर थोड़ा सा जो है दबाव बनाना चाहता है। अब देखते हैं कि व्यापार भी, जो हिंद महासागर क्षेत्र है, भारत का 50% विदेशी व्यापार और 80% ऊर्जा का आयात जो है वो देखा जाए तो इसी हिंद महासागर क्षेत्र से होता है, जिसको आप लोग पढ़ते हैं सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। आप देख रहे हैं कि मालदीव का भू राजनीतिक महत्व भी है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्व है, व्यापार के दृष्टिकोण से भी महत्व है।
और भारतीय डायस्पोरा की भी उपस्थिति मालदीव में दिखाई देती है। आप देखे होंगे कि जब से मालदीव में लोकतांत्रिक सरकार चल रही है तभी से भारत मालदीव की सहायता कर रहा है। आप देखे होंगे कि मालदीव में जो है जो 1200 द्वीप है तो लगभग 50 द्वीपों पर जो हाइब्रिड जो एनर्जी है उस हाइब्रिड एनर्जी का विकास भी भारत ने ही किया है। सौर ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, इन सब चीजों का विकास भारत ने किया है। अब COVID-19 के समय देखिए मालदीव को सबसे पहले टीका भारत ने ही उपलब्ध कराया था। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सभी क्षेत्रों में मालदीव को भारत निरंतर सहायता देता रहा है। इंदिरा गांधी स्मारक अस्पताल है, मालदीव तकनीकी शिक्षा संस्थान है, इसका जो नवीनीकरण किया गया वो भारत द्वारा किया गया है। सुरक्षा और सैन्य क्षेत्र में भी भारत सहयोग देता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे एक्वेरिन का नाम आप लोग सुने होंगे, दोस्ती या एकता, ऑपरेशन शील्ड, ये सब हम लोगों ने जो है मालदीव के साथ जो है संयुक्त अभ्यास भारत ने आयोजन किया है। रक्षा परियोजनाओं के लिए अलग से भारत पैसा उपलब्ध कराता है, जैसे पिछले वर्ष जो है $50 मिलियन की भारत ने सहायता दिया था। अब देखे होंगे कि पिछले वर्षों में जो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है, जो हवाई अड्डा पुनर्विकास जो परियोजना है, या एक सबसे बड़ी जो परियोजना है उथरू थिल्ला फालू परियोजना जो है, ये भारत की सहायता और भारत के अनुदान से जो है सबसे बड़ी परियोजना है। आप देखे होंगे कि पुलिस बुनियादी संरचना, चाहे सैन्य हो चाहे सुरक्षा सहयोग हो, सभी क्षेत्रों में भारत ने जो है मालदीव की मदद किया है। और अभी मैं बताया कि ऑपरेशन संजीवनी के तहत जो है जब कोविड चल रहा था उस समय जो भारत ने जो है लगभग 6 टन जो है आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति भी किया था। मालदीव का मदद भारत से ही, मालदीव की मदद जो है भारत शुरू से ही करता रहा। आप देखे होंगे 2014 की घटना याद होगा, ऑपरेशन नीर, ऑपरेशन नीर के माध्यम से जो है पेयजल की जो आपूर्ति है वो मालदीव को किया गया। 2004 में जो है सोचिए उस समय सुनामी आया था, मालदीव की कोई मदद नहीं कर रहा था और उस समय जो है भारत ने मालदीव की मदद किया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि इंडिया आउट जो कैंपेन चल रहा है मालदीव में, तो कहीं न कहीं जो है ये हम लोग के लिए घातक है। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि मालदीव में जो 200 द्वीपों पर ही लोग लगभग रहते हैं, शेष द्वीप जो है जंगल के रूप में है। अब मान लीजिए भारत विरोधी कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, आपको ध्यान होगा आतंकवाद के प्रयोग के लिए बॉम्बे में जो घटना हुआ था माना जाता है कि वहां उसका लिंक भी था। जब मालदीव में मान लीजिए राजनीतिक अस्थिरता होगा, गठबंधन सरकारें चलेंगी, तो कट्टरवाद को बढ़ावा मिल सकता है। आप देखे होंगे कि पिछले वर्षों में जो है मालदीव और चीन का संबंध जो मधुर हुआ, मालदीव पाकिस्तान को जो संबंध मधुर हुआ, तो चीन ने क्या किया, मराव स्टाइल पर अपना अड्डा बना लिया। और इस तरह से देखा जाए तो हिंद महासागर के पूर्वी किनारे पर जो है अपना जो है वह बेड़ा भी तैयार कर दिया। तो ये सब चीजें भारत के लिए चिंता का विषय है। पिछले वर्षों में आप देखे होंगे कि भारतीय जो श्रमिक वहां पर काम करते हैं, भारतीय जो लोग हैं, उनका पासपोर्ट जब्त कर दिया गया, उनके साथ जो है वह देखा जाए तो आपराधिक गतिविधियां और तमाम जो है चीजें हुई, उनका समय से भुगतान भी नहीं किया गया, इससे हमारा नागरिक संबंध भी प्रभावित हुआ है। इस तरह देखते हैं कि भारत मालदीव संबंध में जो है कट्टरपंथी जो गतिविधियां हैं, जो वहां की राजनीतिक जो गतिविधि है, जो कहीं ना कहीं चाइना फैक्टर है, या इसी प्रकार से जो है वह देखा जाए तो भारत विरोधी जो भावना है, इंडिया आउट जिसको कहा जा रहा है, ये सब चीजें भारत मालदीव संबंधों को प्रभावित कर सकती। देखिए हम लोगों को संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी देश का जो है प्रथम और अंतिम उत्तरदायित्व होता है। हम लोग को भावना में बह का कार्य नहीं करना चाहिए, ये विदेश नीति है। ये विदेश नीति जो है वो देखा जाए तो एक समग्रता के साथ चलनी चाहिए। मालदीव की संप्रभुता का भी सम्मान होना चाहिए। जो नव निर्वाचित सरकार है, मोइजू साहब की जो सरकार है, उसके साथ जो है बातचीत होना चाहिए। जो विकास कार्यक्रम हमारा चल रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए, जो वहां पर परियोजनाएं चल रही है उसको पूरा किया जाए, रोजगार उत्पन्न किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि मालदीव में विश्वास बहाली की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग का जो है गुजराल डॉक्ट्रिन के तहत ही देखा जाए तो पड़ोसी देशों से हम लोग जो है मधुर संबंध बनाते हैं। जो नेबर फर्स्ट का जो कंसेप्ट है उस पॉलिसी पर भारत कार्य करता है। तो हम लोग को नेपाल, भूटान, मालदीव, इस तरह के जो छोटे देश हैं उनके साथ जो है वो देखा जाए एक भाईचारे का अवधारणा रखना चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो छोटे भाई के रूप में जो है इन लोगों के साथ संबंधों की स्थापना किया जाए और बहुत ज्यादा उग्र व्यवहार न किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो है वह राष्ट्रीय सुरक्षा का एक संदर्भ है और उससे हम लोग कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। और जो चीन की गतिविधि है, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूक्रेन संकट हुआ, चाहे मान लीजिए इसराइल हमास जो संघर्ष चल रहा है उसमें जो चीन है, रूस है, ईरान है, पाकिस्तान का जो गठबंधन है, अब इस गठबंधन में मालदीव भी जुड़ेगा तो और ज्यादा गठबंधन मजबूत होगा। मान लीजिए नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, तो ये सब देश जो है वो देखा जाए तो हमारे लिए चुनौती का कार्य कर रहे हैं। इसलिए भारत को संयमित व्यवहार करना चाहिए और सोच समझ कर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए।